Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. Viewers, हम लोग जा रहे हैं राइड पे और मेरे साथ टॉप बैंकर मजीद भाई. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक. और ईद पर व्यूअर्स, ईद पर मुझे मिलने नहीं आए. ये गिला पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आए, वो वजह मैं नहीं बता सकता. तो खैर चलते हैं व्यूअर्स और राइड पे थोड़ा सा. और बिनले की राइड और टाइम 6:44 है, आपको इसमें नज़र आएगा. और चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. चलें जी माजिद भाई, चलते. अच्छा व्यूअर्स, इनफैक्ट जो इस मोटर बाइक के साथ मैंने लिया हेलमेट, उस पर भी GoPro माउंट नहीं लगा, तो ये मैंने पुराना ही, यानी है ये भी LS2 का. और अभी ये फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ जब तक कि उस पर कोई प्रॉपर माउंट नहीं होता GoPro का. बिल्कुल व्यूअर्स, 9th एवेन्यू से अभी निकलेंगे हम लोग आगे. और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या पोजीशन है, बाहर चलें आज रौनक क्या है. बहरहाल आज ब्लैक डे राइड है. ये आज की राइड का नाम है ब्लैक डे राइड. और ब्लैक डे राइड क्यों है वो आपको पता है, 15th अगस्त. सिग्नल पर है और इरादा बन रहा है कि मार्गला हिल्स पर तो नहीं, लेकिन उस साइड पे, उस साइड की राइड करने का. लेकिन अगर रश हुआ तो फिर थोड़ा प्लान या रूट चेंज कर लेंगे, क्योंकि एज सच उस तरह तो कोई है भी नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं. और व्यूअर्स, ये हम आ जाते हैं यहाँ से मेन जो ब्लू एरिया वाली रोड है, यानी जिस पर सेंटोरस भी है व्यूअर्स. और आज आपको आपके साथ जी व्यूअर्स बिनेले पे यहाँ की राइड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप खैर शायद गिला करें कि मैं दो मरी के चक्कर लगा चुका हूँ इस पे रात पे. लेकिन ये कि मैंने माउंट जो था मेरा दूसरा था, यानी माउंट उस पर नहीं था, हेलमेट मैंने दूसरा पहना हुआ था. और अब्दुलरहमान साथी हमारे और आगे हैं वो माजिद भाई. और व्यूअर्स, बड़ी अच्छी मज़े की राइड है, वेरी कंफर्टेबल. अच्छा मैं व्यूअर्स दो चक्कर लगाए मरी के, लेकिन यकीन करें कि लॉन्ग टूर इजीली इस पर हो सकता है, कोई थकन नहीं हुई मेरे, यानी पता ही नहीं चला. यानी कंसेक्टिव राइड्स थी दो, एक दिन भी गया हूँ और नेक्स्ट डे भी गया हूँ, दो दिन लगा था. और गया रात को ही हूँ, बल्कि एक दिन तो थोड़ा लेट, यानी 10:30 पे. और जी बिल्कुल, लेकिन लेट नाइट, यानी ये ब्रिज पर से व्यूअर्स हम लोग. ओहो साथी मेरे, मैं खैर आपको वैसे दिखाना चाह रहा था, इसका साथी भी आ रहे हैं. और आई गेस के अगर रश हुआ तो फिर प्लान थोड़ा चेंज कर लेंगे. अच्छा, आप में बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि जी इसका रिव्यू तो ज़ाहिर है वही है जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी मोटर बाइक, यानी बिनेलेस का वैसे बताया था. लेकिन डेफिनेटली मैं इसकी सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बहुत कुछ जो कि नहीं है. और हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी मैंने मतलब इस पर राइड इन दिनों खूब चलाई है, बिल्कुल 100% रिकमेंडेड है व्यूअर्स. स्टिल अभी तक जिस प्राइस में ये है उसमें मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑप्शन है.
क्योंकि पाकिस्तान में जो मॉडल है ये है भी जो प्रीमियम मॉडल कहते हैं, ये जिस पे अच्छे टायर्स लगे हुए। आगे से व्यूअर्स आ जाएगा, यानी हमने लेफ्ट टर्न लेना है और वो आएगा 7th Avenue। अब वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि रश है या क्या हिसाब किताब है। मौसम व्यूअर्स बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि बारिशें लगी हुई थी जो पिछले दिनों, उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, काफ़ी ड्रॉप भी हुआ है। और ये है कि वो साफ़ सुथरा सारा अभी, खैर काफ़ी मतलब शाम हो गई है, आपको उस तरह शायद नज़र ना आए। ये अभी बिनेली की फर्स्ट राइड आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 7th Avenue पर और इधर मैंने कहता हूँ आप लोग आगे चलें ताकि फिर व्यूअर्स को थोड़ी यहाँ की सैर करवाऊँ, सैर यानी इस बाइक पे करवाऊँ। इधर की तो ज़ाहिर आपको काफ़ी दफ़ा कराई हुई है। आपने देखा कि कितने डेंजरस तरीके से वापस अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि काफ़ी रश हुआ है। काफ़ी रश है व्यूअर्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कैंसिल कर दूंगा, तो आप कैंसल्ड उस जगह का और मुड़ते हैं यहाँ से। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है व्यूअर्स, तो ट्रैफिक जो है मैन्युअली कंट्रोल हो रही है, इस्लामाबाद पुलिस के हैं जो कर रहे हैं। दूसरे शहरों से भी आए होते हैं तो काफ़ी वो फिर इस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं वो आगे। तो व्यूअर्स हम लोग फिर अब कहीं और की राइड रखते हैं, राइड यूँ रखते हैं कि इस्लामाबाद में ही, इस्लामाबाद के अंदर ही ऐसी जगह जहां ट्रैफिक जैम ना हो।
हाँ माजिद भाई, ट्रैफिक काफ़ी जैम है तो मेरा ख्याल है कहीं और चलते हैं। आप क्या कहेंगे जी? हाँ मतलब कहीं और चलते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ, तो इस साइड पे चलते हैं आगे कहीं, लेकिन नॉर्थ शकरपड़ियाँ, क्योंकि वहाँ भी वही हिसाब होगा, पिकनिक स्पॉट जितने भी हैं। जी उस्ताद, F6 चलें जी। ठीक है जी उस्ताद जी। जी माजिद भाई ने कहा F6, तो वो ठीक कह रहे हैं कि आज के दिन। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने प्लान किया है कि F6 निकल रहे हैं।